हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ रिकीज किचन। आई होप कि आप सब हेल्दी हैं। आज मैं एक सिंपल सा डिश बनाने वाली हूँ। एक वेजिटेरियन डिश है, मटर आलू पनीर का सब्जी। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। रोटी पराठा, नान कुलचा, किसी के भी साथ आप इसे शेयर कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, लंच या डिनर कभी भी खा सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम्स पनीर। इसको हम छोटा छोटा क्यूब्स में कट करके ले लेंगे। बहुत ज़्यादा पनीर इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हम ढेर सारा आलू और मटर भी डालने वाले हैं। छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है पनीर को। अब मुझे इसके साथ लगेगा करीब 5 से 6 छोटे साइज का आलू, एक टमाटर, एक मीडियम साइज का प्याज और एक कटोरा हरे मटर। मैं फ्रोजन मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं। एक कटोरा लिया है मैंने, एक जो मसाला है उसका पेस्ट बनाना है। कटोरे में मैंने ले लिया है 3 बड़े चम्मच दही, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच जीरा पाउडर। इसके साथ ही मैं इसमें ले रही हूँ करीब 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 1 से 1.5 चम्मच भी आप ले सकते हैं, ये प्योरली कलर के लिए है, तीखेपन के लिए ये नहीं है। अब सारे मसालों को दही के साथ अच्छे से फैट के एक स्मूथ पेस्ट बना के रख देंगे। बहुत अच्छे से दही को फेटिएगा, वरना आप जब मिक्सचर इस कढ़ाई में डालेंगे तो दही फट जाने का चांसेस रहता है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने, पानी डाल के फिर से मैं करीब 1 से 2 मिनट तक दही को अच्छे से फैट लूँगी। हो गया है दही वाला मिक्सचर रेडी। अब सारे सब्जी को काट करके रेडी कर लेंगे। एक एक आलू को मैं 4 पीसेस करूँगी, थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ का ही आलू रखेंगे। ऐसे तो मैंने छोटा छोटा साइज़ का आलू लिया है, लेकिन एक आलू को 4 पीस करेंगे, उसे ज़्यादा छोटा करने का ज़रूरत नहीं है। प्याज को भी पतला पतला स्लाइसेस में कट कर लेंगे, सॉरी स्लाइसेस नहीं, मैंने फाइन चॉप कर लिया है प्याज को। और टमाटर जो है उसे भी हमें क्यूब्स में कट करके ले लेना है। ये जो रेसिपी है दोस्तों, ये रेसिपी मटर पनीर का नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पे आलू को कट करके पानी में भिगो के रख दिया है। एक कटोरा में पानी लिया है मैंने, सारे आलू को पानी में भिगा के रखेंगे ताकि आलू में लाल या काला कलर ना आए, आलू एकदम फ्रेश ही रहे। हाँ, तो जो मैं कह रही थी, ये जो है ये मटर पनीर का रेसिपी नहीं है। मटर पनीर जो ऑथेंटिक मटर पनीर होता है रेस्टोरेंट स्टाइल, उसका रेसिपी, उसका वीडियो मेरा चैनल में ऑलरेडी मौजूद है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। ये सिंपल सा एक सब्जी है, वेजिटेरियन डिश है, मटर आलू और पनीर तीनों चीज़ों से बनता है और ग्रेवी भी इसका थोड़ा डिफरेंट टाइप से बनता है, मटर पनीर जैसा नहीं और ना ही ये आलू दम जैसा बनता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रेसिपी है, आलू ही इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा, मटर और पनीर थोड़ा कम क्वांटिटी में। इसके साथ अगर आप चाहें तो सेम रेसिपी के साथ थोड़ा सा फूल गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा लगता है खाने में। आज मैंने फूल गोभी का इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए, बात करते करते प्याज भी मैंने चॉप करके रेडी कर लिया है, टमाटर को भी क्यूब्स में कट कर लेते हैं। सारे चीज़ें हो गया है कट करके रेडी। गैस ऑन करके मैंने चढ़ा दिया है पैन, उसमें मैंने डाला है 2 से 3 चम्मच सनफ्लावर ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। थोड़ा सा हीट होने के बाद सबसे पहले जो पनीर का क्यूब्स मैंने काटा है उसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक सौते कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कड़ा करके फ्राई करने का ज़रूरत नहीं है, हल्का सा बस इसे सौते करेंगे, दोनों तरफ से हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, बस तब तक ही पनीर को फ्राई करना है। आप चाहे तो पनीर को बिना फ्राई किए कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं, पनीर और ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। देखिए, एकदम हल्के हाथों से अलट पलट के दोनों तरफ से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने पनीर को फ्राई कर लिया है। इससे ज़्यादा पनीर को फ्राई करने का या लाल करने का ज़रूरत नहीं है,
तेल में से छान के एक कटोरा में रख देंगे पनीर को। अब इस पनीर में मैं गरम पानी ऐड करके रख दूंगी। गरम पानी में अगर आप पनीर को भिगो के रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, वरना सौते या फ्राई करने के बाद पनीर रबरी हो जाने का चांसेस रहता है। गरम पानी में भिगो के रख देंगे सोक करके, तो पनीर एकदम सॉफ्ट बटर जैसा रहेगा। अब उसी तेल में मैं जो आलू कट करके रखी थी उसे एकदम फ्राई कर लेंगे लाल लाल रुक करके, दोनों तरफ से डीप गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। इसी फ्राई करने करते करते ही आलू जो है 50% पक जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, पेशेंटली आलू को आप अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई कीजिएगा। आलू जो है फ्राई होके हो गया है। अब आलू को भी छान के एक अलग बर्तन में रख लेंगे। इसी तेल में 2 चम्मच सनफ्लावर ऑयल और ऐड कर लेंगे और ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। कुछ खड़े मसाले डालेंगे, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची तोड़ के और 1 चम्मच साबुत जीरा। इन सारे खड़े मसालों को 10 से 15 सेकंड तक सौते कर लेंगे ताकि इसमें से एक अच्छा सा खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और जीरा जो है वो चटकने लगे। उस स्टेज पे जो कटे हुए प्याज थे उसे ऐड कर देंगे और प्याज को भी एकदम डीप गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने के लिए कम से कम 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में आपको फ्राई करना है। अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ 1 मिनट तक भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो रॉ स्मेल होता है वो चला जाए और अच्छे से प्याज के साथ भून जाए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें जो कटे हुए टमाटर थे, वो टमाटर डाल के अच्छे से सारे चीज़ों के साथ मिला लेंगे और चलाते हुए भूनेंगे। तब तक हमें इसे भूनना है जब तक टमाटर जो है वो अच्छे से गल ना जाए। जल्दी से टमाटर गल जाए इसलिए मैं अभी इस स्टेज में 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। टमाटर डालने के बाद ही आप नमक का इस्तेमाल करें। टमाटर डाल के अगर आप नमक डालेंगे तो टमाटर जो है वो जल्दी से गल जाएगा। देखिए टमाटर जो है वो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा गल चुका है। अब जो दही और मसाले का मिक्सचर बना के रखा था ना मैंने, उसे भी डाल दिया है। अब दही को भी टमाटर वगैरह के साथ सब चीज़ के साथ अच्छे से भूनेंगे। इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और दही का पानी जो है वो पूरा सूख जाएगा, चारों तरफ से तेल निकल के आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से दही और मसाले का मिक्सचर को भूनना है ताकि दही का जो एक कच्चा स्मेल होता है वो ना रहे। देखिए थोड़ा सा बीच में मैंने पानी भी ऐड किया था। इतना अच्छे से मैंने इसको भूना है कि बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं बचा है और चारों तरफ से तेल निकल के आ गया है। कलर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आया है। अब मैं जो फ्राई किया हुआ आलू था उसे भी मैंने डाल दिया है मसाले में और मसाले के साथ आलू को 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। आलू को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। मसाले के साथ आलू को अगर भूनेंगे तो आलू में भी मसाले का फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा और आलू भी ऑलमोस्ट 70-80% पक जाएगा। 50% फ्राई करने के टाइम ही आलू पक चुका था। अच्छे से आलू को मसाले के साथ मैंने भून लिया है करीब 3 से 4 मिनट। उसके बाद मैंने इसमें हरे मटर डाल दिए हैं। हरे मटर मेरा फ्रोज़न है तो ये ऑलरेडी थोड़ा सा सॉफ्ट है, इसीलिए अभी इस स्टेज में मैंने ऐड किया है। वरना आप जब मसाले को भूनना स्टार्ट करेंगे ना प्याज टमाटर को, उसी स्टेज में मटर को ऐड कर दीजिएगा अगर आप फ्रेश ग्रीन पीस का इस्तेमाल करते हैं तो। सारे चीज़ों को भून लेने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है करीब 2 कप गर्म पानी। अब फ्लेम को लो टू मीडियम करके ढक के इसे पकने देंगे। देखिए ढक के मैंने इसे रखा था करीब 7 से 8 मिनट के लिए। पानी जो है वो आधा सूख चुका है और आलू जो है वो ऑलरेडी 95-98% तक बॉयल हो चुका है। इस स्टेज पे मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 चम्मच गुड़। आप चाहे तो उसके बदले में शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो इस कुछ भी मिठास डालने का ज़रूरत भी नहीं होगा अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो। साथ ही मैंने इसमें जो फ्राई किया हुआ पनीर है, मैंने गर्म पानी में सोख करके रखा था ना, उसे भी मैंने डाल दिया है। एक बार चला लिया और ढक के इसे पकने के लिए रख दिया। देखिए ग्रेवी जो है वो थिक हो चुका है। बंद करके अगर आप रख देंगे स्टैंडिंग टाइम के लिए तो ग्रेवी और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा, इसीलिए और मुझे इसे ड्राई नहीं करना।
अब स्टेज में मैंने इसमें ऐड कर दिया है करीब एक चम्मच कसूरी मेथी, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट करके हाथ से रगड़ के पाउडर बना के डाला है। कसूरी मेथी डालने से फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। देखिए अच्छे से चारों तरफ से तेल निकल के आना स्टार्ट हो गया है। ढक के बंद करके मैंने रख दिया था इसे स्टैंडिंग टाइम के लिए 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट के बाद मैंने कर लिया है आलू मटर पनीर सब्ज़ी को प्लेटिंग, और एक धनिया पत्ते से मैंने कर दिया है उसका गार्निशिंग। बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल रेसिपी है, अब डेली यूज़ के लिए, मतलब जब कभी भी मन चाहे वेजिटेरियन कुछ खाने के लिए रोटी पराठे के साथ आप इसे बना के एंजॉय कर सकते हैं। सिंपल सा रेसिपी है, क्विकली बन जाता है और घर में सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होता है, कुछ भी स्पेशल आपको लगेगा नहीं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसे घर में ट्राई करके कमेंट्स में बताएं कि कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।